हाय एवरीवन, आशा करता हूँ आपको हमारी प्लेलिस्ट के वीडियो समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और प्रैक्टिस टेस्ट। आपने जो भी वीडियो 1 से लेकर वीडियो 10 में समझा है उससे ही रिलेटेड यहाँ पर आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे और एक प्रोजेक्ट मिलेगा, और आपके पास 20 सेकंड्स हैं हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए होंगे। अगर आपके सभी आंसर सही हैं तो आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं
ठीक है, इस प्रोजेक्ट में आपको सबसे पहले एक हेडिंग देनी है, व्हाट इज कंप्यूटर, या आप अपनी तरफ से किसी भी टॉपिक पर ये लिख सकते हैं। उसके बाद आपको एक इमेज यहाँ पर इंसर्ट करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ इंसर्ट करना है, पैराग्राफ में यहाँ पर आपको कुछ बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रो का यूज़ करना है, और थर्ड में आपको यहाँ पर एक लिंक यूज़ करना है, ठीक है। लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर विकीपीडिया है, इस पर आप क्लिक करने के बाद विकीपीडिया की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको कंप्यूटर के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको एक वेब पेज बनाना है। यही है आपका आज का प्रोजेक्ट। अगर इस प्रोजेक्ट को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो 10 सेकंड बाद आपको सोर्स कोड मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करके यहीं कहीं आप अपना पहले प्रोजेक्ट बनाएं, और अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं बनता है तो आप यहां पर सोर्स कोड देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना प्रोजेक्ट बना लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आपका सोर्स कोड ये रहा, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने बॉडी के अंदर क्या किया है, यहां पर व्हाट इज कंप्यूटर लिखा है, ठीक है। फिर एक इमेज को इंसर्ट किया है और उसकी हाइट और विड्थ को हमने चेंज किया है। देन यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है, लेकिन पैराग्राफ का जो फॉन्ट साइज है वो भी हमने चेंज किया है, और बोल्ड का इधर यूज़ किया है, और लास्ट में हमने यहाँ पर दो HR का यूज़ करके एक लिंक का यूज़ किया, ठीक है, एक हाइपर लिंक का भी इस्तेमाल किया है। और जो हमने कंप्लीट वेब पेज बनाया है, इसका हमने बैकग्राउंड कलर येलो किया है और टेक्स्ट लाइन सेंटर किया है, ठीक है। तो अगर आपने बिना सोर्स कोड के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आप यहां से इसको समझ सकते हैं और उस प्रोजेक्ट को दोबारा तैयार कर सकते हैं।